हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फितेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नए नए एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है, जिसमें पहला ऑप्शन है कंपास आरी, की होल आरी, कोपिंग आरी, रेट आरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, की होल आरी। यानी कि कोई भी लकड़ी का जॉब होता है जो उसमें अंदर के भाग को हमें काटना होता है, यानी कि लकड़ी के जो जॉब होता है उसमें अंदर का जो हमें भाग काटना होता है, तो उसको हम लोग कौन सी आरी से काटते हैं, की होल आरी से। जैसे कि इनका नाम से भी हमें पता चलता है की होल, यानी कि लकड़ी में जो होल होता है तो वो होल में कटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, की होल आरी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है, तो पहला ऑप्शन है वर्गाकार स्टेक, दूसरा हैचेट स्टेक, तीसरा ब्लो हॉर्न स्टेक और चौथा बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो शीट मेटल के लिए जो हम लोग कार में उपयोग करते हैं वो स्टेक होता है ब्लो हॉर्न स्टेक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लो हॉर्न स्टेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औजार का क्या नाम है, यानी ये जो आपके सामने जो फिगर दिख रहा है हमें इस औजार का नाम बताना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है आपका क्लॉ हथौड़ा, दूसरा टैक्स हथौड़ा, तीसरा क्रॉस पिन हथौड़ा और चौथा स्ट्रेट पिन हथौड़ा। यानी कि ये फिगर देखिए एक बार फिर से, ये जो आपका औजार है ऑप्शन से तो ये पता चल गया कि ये हथौड़ा है। तो ये कौन सा हथौड़ा है, ये जो हथौड़ा है ये है टैक्स हथौड़ा। तो हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं टैक्स हथौड़ा का, तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ बर्फीली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम लोग वायरिंग करने के लिए इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं बर्फ को तोड़ने के लिए करते हैं। ये जो आप लोग नुकीला वाला भाग देख रहे हैं इससे हम लोग बर्फ को तोड़ने का काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन देखिए इसमें चपटी छेनी, दूसरा जालीदार छेनी, तीसरा क्रॉस कट छेनी और चौथा हीरामंड छेनी। यानी कि चेन ड्रिलिंग जो हम लोग करते हैं, कोई शीट मेटल होता है उसमें चार पांच ड्रिल करते हैं और वो ड्रिल के बीच जो मटेरियल होता है एक्स्ट्रा मटेरियल उसको हटाने के लिए हम लोग कौन सा छेनी का उपयोग करते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए जालीदार छेनी, यानी कि वेब चीजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जालीदार छेनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है, इसका पहला ऑप्शन है वर्गाकार स्टेक, दूसरा हैचेट स्टेक, तीसरा ब्लो हॉर्न स्टेक और चौथा बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो हम लोग रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो स्टेक होता है ब्लो हॉर्न स्टेक। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लो हॉर्न स्टेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, शाखाओं की वृद्धि, चौथा गलत सिजनी। तो लकड़ी में गांठ दोष का जो कारण है वो होता है शाखाओं की वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शाखाओं की वृद्धि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है, यानी कि SWG जिससे हम लोग वाइंडिंग करने वाले वायर को जो माप लेते हैं वो कौन सी साइज में है, तो उसका परास क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 से 44, ऑप्शन नंबर बी 0 से 42, ऑप्शन सी 0 से 38 और डी 0 से 36। यानी कि SWG जो है जिससे हम लोग वाइंडिंग वाले वायर का माप लेते हैं, तो उससे उसका जो
माप होता है वो 0 से 36 mm तक का हम लोग इसमें माप ले सकते हैं, यानी कि इनका प्रास जो है 0 से 36 के बीच है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 से 36। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तार जोड़ का क्या नाम है, यानी कि जो फिगर है आपके सामने जो जोड़ है केबल का, ये कौन सा जोड़ है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, एरिटल टैप जोड़, नॉटेड टैप जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, डबल क्रॉस टैप जोड़। तो ये जो जोड़ है ये होगा नॉटेड टैप जोड़, यानी कि आपका जो फिगर है इसमें ये जो जोड़ है ये होगा नॉटेड टैप जोड़। अब हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं ये वाले जोड़ का, तो जब आप लोग घरों में या कहीं पे वायरिंग करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधा वायरिंग जाता है और फिर हमें उससे नीचे भी कुछ तार को लाना होता है, तो जब तार को हम लोग नीचे लाएंगे सीधा से तो वहां पे हम लोग ये नॉटेड जोड़ का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉटेड टैप जोड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रोजिन, दूसरा जस्ता क्लोराइड, तीसरा साल अमोनिया और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब गैल्वेनीकृत लोहे के लिए जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें कौन सा फ्लक्स का हम लोग उपयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये वाले फ्लक्स का हम लोग उपयोग करते हैं गैल्वेनीकृत लोहे में तो सोल्डरिंग करते टाइम क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है और इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें पानी के साथ हम लोग उपयोग करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, दूसरा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और चौथा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। यानी कि जब हम लोग टीनिंग कार्य में जो सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं वो होता है डीप सोल्डरिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डीप सोल्डरिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, XLPE का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि XLPE का हमें पूरा नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है, यानी यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है ये भूमिगत केबल का फिगर है, ये जो एक्स दर्शाया हुआ है ये सर्विंग परत है। ये जो सर्विंग परत होता है ये आर्मिंग परत के ऊपर में होता है सर्विंग परत, और ये सर्विंग परत बना होता है किस चीज का, रेशेदार यानी कि जूट से ये सर्विंग परत बना होता है। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन केबल को नमी से बचाना, दूसरा ऑप्शन केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना और चौथा आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना। तो ये जो सर्विंग परत होता है यानी कि रेशेदार या जूट से बना होता है तो ये क्या करता है, हमें वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है, यानी कि जब ठंडे के दिन में हम लोग देखते हैं कि वायर क्या होता है, सिकुड़ जाता है और गर्मी के दिन में वो उसका गलना के कारण वो फैल जाता है, तो ये हमें वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है ताकि वो सिकुड़े या फैले नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।